2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए हो रहे नामांकन। 11 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के लिए नागपुर सीट से आज नामांकन करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। यूपी की मथुरा सीट से पर्चा दाखिल करेंगी हेमा मालिनी। जमुई से चिराग पासवान का नामांकन भी आज। आज फिर होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। अब तक 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा यात्रा के बाद अब श्रीराम की शरण में प्रियंका गांधी वाड्रा। 27 मार्च को अयोध्या जाएंगी कांग्रेस महासचिव। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और चुनाव समिति की भी बैठक आज। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। यूपी और बिहार के उम्मीदवारों पर होगी खास नजर। रविवार को कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। कार्ति चिदम्बरम को तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से टिकट। एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपी है कार्ति। कर्नाटक की टुमकुर सीट पर बढ़ी कांग्रेस की मुसीबत। कांग्रेस के मौजूदा सांसद ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। जेडीएस के कोटे में है सीट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बिना नाम लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर तीखा हमला किया। कहा मसूद अजहर का दामाद सहारनपुर आ गया। ईवीएम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। विपक्ष के 21 नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से मांगा है जवाब। 50% वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की है मांग। बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर अकबरुद्दीन ओवैसी का हमला। कहा सिर्फ ट्विटर पर नहीं आधार और पासपोर्ट पर भी लिखो चौकीदार।